सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अपना YT स्टूडियो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप YT स्टूडियो सर्च करेंगे तो आप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, इन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओपन यहाँ पे ऑप्शन जनरेट हो चुका है। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया और जैसे कि आप देख सकते हैं YT स्टूडियो मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आपको एक बार इसको स्क्रॉल कर लेना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए गेट स्टार्ट लिखा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे चैनल का जो इंटरफेस होगा वो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे एनालिटिक्स देख लिया, यानी कि 28 दिन के जितने भी एनालिटिक्स होंगे, 28 दिन के यानी कि जितने भी 28 दिन के एनालिटिक्स होंगे आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। शो करने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे आपका लास्ट वीडियो का परफॉर्मेंस दिख जाएगा, यानी कि आपका लास्ट वीडियो कितना व्यू गया है, कितना वॉच टाइम मिला है। यानी कि अगर आपका चैनल जब मोनेटाइज रहेगा तो आपको यहाँ पे लिख देगा कि हाँ कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपको यहाँ पे साफ साफ टोटल लिख देगा। और यहाँ पे लास्ट आपका 3 वीडियो आपको शो कर देगा, यानी कि लास्ट आपने 3 वीडियो जो अपलोड किए होंगे वो आपका शो कर देगा और यहाँ पे लास्ट 3 कमेंट शो कर देगा। यहाँ पे ज्यादा इस YT स्टूडियो में आपको ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे अगर 3 डॉट पे आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 यानी कि ऑप्शन मिल जाएंगे। 5 ऑप्शन का ही फायदा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड का एक मिलेगा और यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा और एक एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं बारी बारी से सबका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपको अभी मैं डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में अभी मैं आपको सबके बारे में बता दिया। और आपको यहाँ पर अब क्लिक करना है वीडियो पर। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने चैनल पर जितना वीडियो अपलोड किए होंगे आपको यहाँ पर टोटल वीडियो शो कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी तक जितना वीडियो अपलोड किया हूँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जितना भी वीडियो अपलोड किए होंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपने शॉर्ट बाइट में देख सकते हैं यानी कि मोस्ट पॉपुलर यानी कि आपके जो सबसे ज्यादा व्यू किस पे आए हैं, आपके किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू आए हैं वो यानी कि टोटल सीरियल भाई वो आपको सजा कर दे देगा। और आपको यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे जस्ट बगल में आपको एक लाइव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपलोड के जस्ट बगल में आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने चैनल पे कितना लाइव जाकर वीडियो को अपलोड किया है वो आपका दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी तक एक लाइव गया हूँ, एक बार अभी तक लाइव गया हूँ और वही वीडियो अपलोड है तो वही आपको दिखा रहा है। अब चलिए अब आपको मैं थर्ड ऑप्शन के बारे में बता दें। यहाँ पे फिर आपको फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल में जितना भी प्लेलिस्ट बनाए होंगे आपको टोटल प्लेलिस्ट शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CSC यूजर के नाम से मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें 3 वीडियो अपलोड है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वीडियो इसके कैटेगरी में मैं अभी डाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ देख सकते हैं आप। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मेरे पास यहाँ पे 2 और 2 4 यानी कि 4 मेरे पास अभी तक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बना सकते हैं, अपना प्लेलिस्ट बना सकते हैं। और चलिए आप मतलब हम चौथे नंबर पे आते हैं कॉमेंट्स पे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमेंट्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जितना भी आपके वीडियो पे कॉमेंट्स आया होगा टोटल आपको यहाँ पे कॉमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी तक जितने चैनल पे आपके कॉमेंट आया होगा, जितने भी वीडियो आपने जितने चैनल पे अपने वीडियो अपलोड किए होंगे उस पर जितने भी वीडियो पे आपको कॉमेंट मिला होगा टोटल यहाँ पे कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश कमेंट, यानी कि टोटल जो आपको शो कर रहा है वो आपको कमेंट मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे हाइड फॉर रिव्यू, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितना आपका हाइड होगा कमेंट वो आपको शो कर देगा। तो चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं एनालिटिक्स। यहाँ पे एनालिटिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चैनल का परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रियल टाइम व्यूज मिल जाएगा, यानी कि 48 घंटा में आपको कितना व्यूज मिला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे टॉप वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे वॉच टाइम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और वॉच टाइम जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया वॉच टाइम पे और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देख लीजिए 365 दिन या लाइफ टाइम। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हाँ कितना आपका वीडियो चला है, अभी तक कितना आपका वीडियो वॉच टाइम दिया है। तो और यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर। आप अगर सब्सक्राइबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे लाइक टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल आपका सब्सक्राइबर्स दिख जाएगा। और यहाँ पे चलिए अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाता है व्यूज। आपको यहाँ पे व्यूज पे क्लिक कर रहे हैं और आप यहाँ पे 28 दिन का आपको शो कर देगा। आपको यहाँ पे लाइफ टाइम कर लेना है, अपने जितना अभी तक चैनल जब से बनाया है वहाँ पे आपको टोटल व्यूज काउंट करके दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल व्यूज दिखा दिया। और यहाँ पे फिर से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे टॉप वीडियोज का जो आप अभी तक बनाया है वहाँ पे टॉप वीडियोज का जो टाइटल है वो आपको दिखा देगा। और यहाँ पे अगर रील्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे रिच के ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिच के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिच के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे इंप्रेशन दिखा देगा। इंप्रेशन में अगर आपके पास यहाँ पे देख लीजिए एरो अगर आपको मिल रहा है तो यानी कि अभी आपका यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपका जो वीडियो है वो हर किसी के पास भेज रहा है। इंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रेशन मेरा कितने का है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इतना लोगों के पास यूट्यूब मेरा इस वीडियो को भेजा है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब इंप्रेशन का मतलब यही हुआ। और यहाँ पे CTR यानी कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जितना इंप्रेशन गया है उसमें से कितना परसेंट लोग आपके वीडियो को वॉच किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पे CTR दिखने को मिल जाएगा आपको, यानी कि इंप्रेशन में से इतना परसेंट लोग यानी कि इस मेरे वीडियो को वॉच किए हैं। आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे टॉपिक सोर्स मिल जाएगा, यानी कि मेरा जो भी वीडियो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे कितने लोग आते हैं कैसे आते हैं इसका यहाँ पे देख लीजिए, मेरे वीडियो को कैसे वॉच करते हैं इसका मतलब यही हुआ। ट्रैफिक सोर्स यानी कि हमारे वीडियो पे कैसे वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि ट्रैफिक मतलब हमारे वीडियो पे कैसे भीड़ जम रहा है, यानी कि हमारे वीडियो को लोग कैसे देख रहे हैं इसका मतलब यही हुआ। आपको अधिकतर यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि मेरा जो यूट्यूब सर्च है यानी कि सर्च करके लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ब्राउज फीचर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज फीचर से अधिकतर व्यूज आ रहा है और यहाँ पे चैनल पेजेस से भी आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से भी आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स में जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स का मतलब व्हाट्सअप हो गया और टेलीग्राम हो गया, YT स्टूडियो हो गया, यहाँ पे ये सब कुछ आ जाएगा। और आपके यहाँ पे YouTube सर्च से भी यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि सबसे ज्यादा लोग आपके वीडियो को किस मतलब टॉपिक को सर्च करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वीडियो को इतना सर्च आ गया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल आपके व्यूज का ड्यूरेशन कितना है, यानी कि लोग कितना लोग आपके वीडियो पे कितना वक्त आपके वीडियो पे और रहे हैं, यानी कि देख कितना देर तक रहे हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, टॉप कार्ड्स को देख सकते हैं यानी कि आई बटन कि और यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस के ऑप्शन। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जेंडर यानी कि मेल 100% हमारे वीडियो को मेल ही देख रहे हैं, यानी कि फीमेल वेमेल कुछ भी नहीं देख रहे हैं, यानी कि मेल ही कैंडिडेट जो मेरा है वही देख रहे हैं। 18 साल से लेकर 24 साल के एज के ही पर्सन हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं और आपको यहाँ पे टॉप यहाँ पे जियोग्राफी यानी कि इंडिया से अधिकतर भी 80% हमारे इंडियन से ही व्यूज आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर जो है वो 27% देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब है वो 27% देख रहे हैं और जो नॉट सब्सक्राइबर्स है वो 72% देख रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब तो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, कितना पर मैं आपसे कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब। गाइस इसके बाद आता है थंबनेल लगाना कि YT स्टूडियो से थंबनेल कैसे लगाए। जिस भी वीडियो पे मतलब थंबनेल लगाना है आपको उस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे जो पेंसिल का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे फिर से आपको यहां पे देख लीजिए थंबनेल के पास आपको यहां पे पेंसिल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीन पहले थंबनेल मिलेगा, आपको यहाँ पे तीन थंबनेल YouTube जो तीन थंबनेल आपको यहाँ पे खुद बनाकर दिया है। आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चाहते हैं इस तीनों थंबनेल को यूज करना तो आप किसी एक थंबनेल पे क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज थंबनेल यानी कि आप जो थंबनेल बनाए हैं उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो अपना थंबनेल बनाए होंगे आपको उस थंबनेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए मैं अपने थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा। अब आता है आपका टाइटल लिखने के लिए। आप यहाँ पे अपने टाइटल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने टाइटल एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी मन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 वर्ड में जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे 100 वर्ड में लिख सकते हैं, अपने टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब और आता है और इसके बाद आता है आपका जो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ आप अपने इस वीडियो में क्या बताए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा वर्णन कर दीजिए। और आप अपने चैनल का लिंक सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। लिंक डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते पब्लिक और यहाँ पे अनलिस्टेड और प्राइवेट। अपने वीडियो को किसी को दिखाना चाहते हैं यानी कि टोटल पब्लिक को दिखाना चाहते हैं आप पब्लिक कर सकते हैं, अनलिस्टेड यानी कि आप खुद देख सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देख सकता। यहाँ पे प्राइवेट अगर आप किसी दूसरे को दिखाना चाहते और खुद देखना चाहते हैं तो प्राइवेट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है गाइस यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आता है आपको यहाँ पे अपने वीडियो पे रजिस्ट्रेशन लगाना है, यानी कि अगर आप लोग 18 साल से ऊपर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो आई एम नॉट मोर्ड फॉर किटली यहाँ पे
टच कर दीजिएगा, और टच करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। और अगर नहीं दिखाना चाहते तो यस वाले पे क्लिक कर देते हो तो आपका 18 साल से जितना भी पर्सन नीचे होगा उसी को आपको ये वीडियो आपको दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे टैग डाल देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मल्टीपल टैग यहाँ पे डाला गया है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। तो YT स्टूडियो का टोटल आपको इस वीडियो में आपको टोटल फंक्शन बता दिया गया है। हाँ, तो आई होप कि गाइस आप लोग YT स्टूडियो के टोटल फंक्शन को समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।